आ रहे हैं अखिलेश यादव जी टीएमसी से, वो आ रहे हैं अखिलेश जी, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे 2024। हाँ हाँ बिल्कुल, हम नहीं है अभी राहुल जी हैं, राहुल जी चेहरा है, लेकिन बिल्कुल अभी राहुल जी चेहरा, राहुल चेहरा स्वीकार। मैं तो बोला अखिलेश जी है, मैंने अपनी आपस में लड़ लीजिए, आप कह रहे हैं अखिलेश है, वो कह रहे हैं राहुल है। अब इसमें किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? एक मिनट एक करके। नरेंद्र मोदी। रीजन क्यों? नो कॉम्पिटिशन। मोदी जी को जो है जनता जो है ऐसे पटक के मारेगी सड़कों पर। ये क्या बात है, ये भाषा है प्रधानमंत्री। तो जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है मेरे चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट होने वाली बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में ऑडियंस और सहनाज पुनेवाला ने कांग्रेस की प्रवक्ता और अनुराग भदौरिया को बता दिया है कि 2024 में मोदी जी ही आने वाले हैं। और इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बौखला गई और वो कुछ मोदी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी, फिर सहनाज पुनेवाला ने उसे पूरी डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से खदेड़ा है। आज की डिबेट बड़ी फनी एंड मज़ेदार होने वाली है। आप प्लीज़ ये डिबेट को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। लिए शुरू करते हैं। देश के अंदर में कितने चेहरे हैं, ये सभी चेहरे यहाँ देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। अब मैं बोल लूँ, ये तो खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश से भी चेहरा आ रहा है, समाजवादी की तरफ से आ रहे हैं अखिलेश यादव जी, टीएमसी से वो आ रहे हैं अखिलेश जी, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे 2024। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी सीटें आएंगी, 70 से ऊपर आएंगी तो चेहरा होगा, और जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो चेहरे होंगे। अब मेरी बात, जिसके नंबर ज्यादा वो चेहरा, ये खबर है, मेरी बात सुन लो ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी, इस देश के अंदर में चुनाव होगा, चुनाव होगा झूठ और जुमलों के खिलाफ। हर नेता अपनी पार्टी अपनी अपनी जगह चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी को हरा के जब सभी नेता एक साथ बैठेंगे। 1977 आपको याद है, सुन लीजिए, 1977 आपको याद है। हाँ। नेता चुनने में कितना वक्त लगा था, ठीक है, मतलब बाद में चुना जाएगा, चुनाव के 5 सेकंड। ये भाई ने कहा कि बाद में तय होगा कि जिसकी ज्यादा सीटें वो, तो चेहरा रखकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, मतलब किसी के नेतृत्व में नहीं होगा कि राहुल जी चेहरा होंगे या नीतीश चेहरा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ऋतु जी, देश में अभी भी लोकतंत्र है, चेहरा वो होगा जिसे भारत की जनता चाहिए। तो राहुल जी तय नहीं है अभी, राहुल जी हैं, तो राहुल जी चेहरा है, लेकिन अगर कोई और राहुल जी चेहरा है, ये हमारी कोई तानाशाही नहीं है, अभी तय नहीं है राहुल जी, अभी तय नहीं है आपकी तरफ से राहुल चेहरा है, राहुल जी चेहरा जी बिल्कुल, अभी राहुल जी चेहरा, राहुल चेहरा स्वीकार। मैं तो बोला अखिलेश जी है, मैंने अपनी आपस में लड़ लीजिए, आप कह रहे हैं अखिलेश है, वो कह रहे हैं राहुल है, आप लोग आपस में लड़ लीजिए पहले। अभी में से आप लोग 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? एक मिनट एक एक करके बोलते ना, आप किसको देखना चाह रहे हैं? ये खड़े हो जाइए। हाँ जी, किसको? योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री। योगी जी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। और खड़े होके बोलिए, आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र जी ने बोला मैं जनता से पूछूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, किसको देखना चाहते हैं 24 में प्रधानमंत्री के तौर पर? नरेंद्र मोदी। क्यों? डिजर्विंग है, दिख रहे हैं डिजर्विंग है, अभी उनके सामने मुझे और कोई नहीं दिख रहा है डिजर्विंग। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही है आप, ठीक है। एक मिनट, हाँ खड़े हो जाइए। कौन आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी। रीजन क्यों? नो कॉम्पिटिशन, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं आज की डेट में, जितनी प्रोग्रेस देश में अब हो गई है, पिछले 70 साल से जो भी कांग्रेस का राज चल रहा था हमारी फ्रीडम के बाद, तो उस चीज़ के बाद आज हमारी जो सिचुएशन है देश की, उसका कोई कंपटीशन नहीं है जितनी प्रोग्रेस इन 10 सालों में। साइड आके पूछ लेता हूँ, आप में से आप कोई बोलना चाहेगा 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? हाँ खड़े होके बोलिए कैमरे में। हाँ सर, नरेंद्र मोदी। क्यों? मुझे रीजन बताइए ना क्यों। सर डिजर्विंग है सर, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सर और किसी पार्टी में और कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं इस लायक। अच्छा, राहुल को प्रधानमंत्री कौन देखना चाहता है? राहुल गांधी को, ठीक है। अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? इन्होंने अखिलेश, एक मिनट, नीतीश जी, कांग्रेस ने अखिलेश के साथ, अच्छा नहीं 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 बारी के लिए, यही तो कह रहा हूं मैं, यही तो कह रहा हूं। अच्छा एक मिनट एक मिनट, नीतीश जी को प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? अच्छा मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? लोगों से भी बात करें, आपको लग रहा है कि ब्रांड मोदी पर कोई असर नहीं पड़ा इतने सालों बाद भी, मतलब 14 से लेकर 22 आ गया, 24 29, ब्रांड मोदी पर असर नहीं पड़ा क्या? अमन जी देखिए, देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। अब इन्होंने कहा कि इनको अली बाबा खोजना है, नहीं नहीं नहीं, ये शीर्षक होता था अली बाबा और 40 शोर, मतलब अली बाबा लड़ रहा है 40 शोर से। अली बाबा तो डिसाइडेड है, मोदी जी बैठे हुए हैं, 40 शोर तो डिसाइड करे ना कि कौन है। हाँ हाँ, क्या अली बाबा से आप लोग को लड़ना है भाई? पिक्चर नहीं देखा क्या आपने? अब दूसरी बात, देश कंफ्यूज कहाँ होता है जब उनके नेता कहते हैं ना मैडम के, जो डरता है वो नफरत पैदा करता है, जब नफरत पैदा करता है उसका फायदा 2 उद्योगपतियों को हो जाता है। तो ये पूरी जनता कंफ्यूज हो जाती है कि डर से नफरत, तो फिर नफरत से फायदा उद्योगपति को, क्योंकि डर और नफरत जहां होगा तो वहां तो उद्योग आएगा ही नहीं, तो उद्योगपति को फायदा कैसे होगा? आप लोगों के लिए राहुल गांधी वो हिमंता जी कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान है। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ बीजेपी को तो प्रचार करने की शहजाद पूनावाला की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी एक बार बोले बीजेपी का 6 महीने का काम हो जाएगा। चाहते हैं प्रायोजित मीडिया या प्रायोजित जो है वो नहीं, वो 2024 में आने वाले तूफान को नहीं रोक सकती। मोदी जी को जो है वो जो मोदी जी को जो है जनता जो है ऐसे पटक के मारेगी सड़कों पर। ये क्या बात है? ये भाषा है प्रधानमंत्री के लिए पटक के आपका भाषा। अरे मैं बताती हूं आप भाषा ये गलत है। पटक के मारेगी प्रधानमंत्री को, पटक के मारना मैं इसके लिए नहीं। जनता पटक के मारती है, जनता जब मारती है तो ये कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से माफी मांगेगी या तो मैं नहीं। और लीडर की बात है पटक के मारे, ये जॉर्ज को ये बिठाकर सीट पे बैठाएंगे और प्रधानमंत्री को पटक के मारेंगे। नहीं, आप ये कह रही हैं, एक मिनट रितु जी आराम से बात कर सकते हैं। राजनीतिक विरोध, एक मिनट सुनिए ना रितु जी, एक मिनट रितु जी एक मिनट ना सुनिए ना मेरी बात सुनिए। हम राजनीतिक विरोध में वो हो सकता है, लेकिन एक तरफ आप कहती है मोदी को पटक के मारेंगे, ये भाषा क्या सही है? क्या ये भाषा अगर आप नहीं है तो आप माफी मांग के शब्द वापिस लीजिए, ये शब्द वापिस ले लीजिए आप, ये आप शब्द वापिस ले लीजिए। नहीं ऐसे नहीं रितु जी, मुझे बस नहीं ऐसा नहीं होना। क्या भारत में श्रीलंका जैसे हालात है? क्या आप क्या बोल रही है? क्या भारत में श्रीलंका जैसे हालात है? सुनिए मैं बताती हूँ आपको। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी को पटक के मारेगी जनता और इनको आपको शायद वापस लेने चाहिए रितु जी? नहीं गलत है, अगर इनको आपको शायद वापस लेने चाहिए। जनता का गुस्सा जो है ना वो जब निकलता है ना तो वो ऐसे ही निकलता। आपने देखा विश्लेषण बस ये देना चाहता हूँ अपनी जगह के हिसाब से कि विपक्ष को एक सलाह है कि धूल चेहरे पे है आईना मत साफ करो, नहीं तो फिर 29 भी नहीं मिलेगा। चलो अच्छा 24 की तो बात ही नहीं है। चलिए बोले आप जल्दी से अनुराग। उम्मीद है आपको ये डिबेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिबेट पसंद आई तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।